हेलो ये बनने वाला हाय मैं वहां से हूं नहीं मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो मेरा सारा घर का काम हो चुका है, मंदिर का ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है, नहा धो लिया है मैंने, अच्छे से रेडी हो गई हूँ। बस पूजा करने में अभी थोड़ा टाइम है, जो आज का मुहूर्त है वो 10:00 तक है, तो मैं उससे पहले पूजा कर लूँगी। तो नवरात्रि जो है वो माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, 9 के 9 दिन। तो आज माता जी के पहले स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो माता जी का जो पहला स्वरूप है वो है माता शैलपुत्री का, जिन्हें हम सती के नाम से भी जानते हैं। तो बस आज माता शैलपुत्री का दिन है, तो आज हम माता शैलपुत्री की पूजा करेंगे पहले दिन। तो बस नवरात्रि शुरू है और आपको मेरे चेहरे पे ग्लो दिख रहा होगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सच में मुझे पूजा पाठ और ये फेस्टिवल्स बहुत पसंद है। नवरात्रि तो मेरे को मतलब बचपन से ही बहुत पसंद था, हमेशा से मेरे नवरात्रि रखने की मेरे को वो रहती थी कि मुझे 9 दिन फास्ट रखने ये वो। तो नवरात्रि हमेशा मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल आप कह सकते हो वो रहा है। तो बस फिलहाल रेडी वेडी हो गई हूँ, तैयारी पूरी कम्प्लीट है, तो चलिए पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने शिव जी को स्नान कराया, उसके बाद कान्हा जी को नहलाया और उसके बाद मैंने पूजा करनी शुरू करी। हेलो जी, सुबह सुबह मेरी हेल्प करने आया है आरव का है। तो भाई आज नवरात्रि का पहला दिन है और आरव शूट पे गया है, बहुत अच्छी बात है। और तू बता। थैंक यू सो मच। ये लकड़ियों को वो करना है, छोटा छोटा करना है, इनको छोटा छोटा करना पड़ेगा। तो ये हवन की लकड़ियाँ आ गई हैं, अभी मैं हवन करूँगी। हवन करेंगे। मुझे लगा कुछ स्पेशल लकड़ी होगी यार। स्पेशल लकड़ी क्या होती है, लकड़ी तो लकड़ी होती है। तुझे क्या लगा चंदन की लकड़ियाँ देंगे तुझे, वो पुष्पा वाली? हाँ तो फटिया 70 रुपए तो इतनी सी लकड़ियों का, बाप रे ये कैसे जलेगा इतना मोटा गिटला। थोड़ी थोड़ी फंटियां जलेंगी, पतली पतली। हाँ ये जलेंगी, ये ले, छोटा छोटा करना पड़ेगा उनको, चूरा चूरा, ऐसे थोड़ी ना जलाना पड़ेगा। इधर मेरा दिया बाती हो गया है, बस अब हवन की तैयारी शुरू है। हवन करूंगी, YouTube पे लगाऊंगी, उतना ज्यादा तो नहीं पता बट जितना भी पता उस हिसाब से करूंगी। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ तोरण, कल मेरे को याद नहीं आ रहा था कि इसको क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। तो गाइस ये हो चुका है रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने 9 लगा दिए हैं। अब इसको हम लगाएंगे दरवाजे पर। आ जाए अम्मी। तो गाइस मेरा पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया, हवन हो गया है, अब पूरा दिन खाली है। सोच रही हूँ बैठ के क्या करूँ, तो सोच रही हूँ जाप कर लेती हूँ थोड़ी देर, काना जी का भी जाप कर लेती हूँ और माँ शैलपुत्री का भी जाप कर लेती हूँ। तो इधर है मेरे काना जी, ये है मेरे भोलेनाथ, इधर है माता रानी। आरव का शूट है, आरव नहीं है अभी, लेकिन उसका रीशूट आया तो मे भी शायद वो जल्दी फ्री होकर आ जाए, वो देखते हैं। नहीं नहीं तो मैं तो सुबह बुलाया था पूजा करने के लिए, तब क्यों नहीं आया आप? तो भाई आज का दिन थोड़ा जाप करने में चला गया, 2 बज गए और अभी भी मुझे लग रहा है क्या करूं। मैंने जाप किया बहुत देर बैठकर, फिर माता जी के पास बैठकर बातें की माता जी से, और आरव का पैकअप हो गया तो मे भी शायद वो आ रहा है, तो
बस वो आ जाए तो थोड़ा रौनक लगी रहेगी, वरना बिल्कुल सुनसान हो रहा है। यमी आया था सामान वामान दे के, वो भी चला गया, उसको जाना था कहीं काम से। और 9 दिन तक मैं यहीं बाहर हॉल में सोने वाली हूँ, इधर नीचे मस्त। हाँ, सही है ना। हाँ, सुबह वाला तो पट पूटा, सारी पनौती निकल गई लग रहा है। हाँ जी, कैसा रहा शूट? अच्छा गया शूट, बहुत बेहतर। बोर हो गए पता है, मैं कल से मैंने जाप भी किया इतनी देर, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हाँ। तू बता, शूट कैसा रहा तेरा? कैसा लग रहा है क्रोमा? बढ़िया लग रहा है, मस्त। अच्छा लग रहा है। यस ठीक है, इसके पीछे क्रोमा काट के इसके पीछे कुछ अच्छे से सीनरी वीनरी डाल देना, ठीक है? ओके, और कुछ यही मिस कर रही थी बस, मैं बैठे बैठे बोर हो गई। हाँ, मंदिर तो बड़ा अच्छा सजा रहा था। अच्छा है ना, देखा कितने तूने अपनी ऑडियंस को। हाँ, कितनी मेहनत लगी है। और सुन, हाँ ये बताया कि मैं बनाया था ये, कि अपना क्रेडिट मेरे लिया। सब लोगों को पता तू कितना मेहनती है। मैंने पूरा ये करके इसको गया। गाइस बिल्कुल सरासर झूठ है, नवरात्रि का पहला मेरा रहता है, मैं तो झूठ बोलूंगी नहीं। इसका विश्वास मत करना, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, यम्मी ने किया है, ये मैंने ऐसे उड़ाई थी, ठीक है? इसने ये लाया है, देखो गाइस ये काम अच्छा किया है, क्योंकि मेरा सुबह वाला मिट्टी वाला भूल गया, तो अभी ये मंगाया इससे। हाँ, कुल्फी बनाई है, अभी थोड़ी देर में कुल्फी दे रही भाभी। तू रोज कुल्फी खाएगा, तू बारात में आया है भाभी की? भाभी की बारात में गया होता तब भी खाता। बर्तन भी धो दी। आपकी बारात में कुल्फी थी? नहीं, मेरी बारात में नहीं। एक बार और करवा ले बारात। आपकी बारात में मतलब गर्मी के टाइम पे शादी होती, जाड़ों में? जनवरी में। गर्मी में मतलब जाड़ों में, तब तो रसगुल्ले होंगे इनकी बारात में, क्योंकि जाड़ों में तो वो मिला होगा रसगुल्ले, गुलाब जामुन। तो इधर मैंने भाभी को काम पे लगा दिया है, भाभी मेरे ब्लाउज में काज लगा रही है, मैंने आपको बोला था ना मुझे ये लूज हो गया है, तो भाभी इसमें काज बना रही है। मैं जो काम कर रहा हूं ये नहीं इधर से, अभी इसी ने फैलाया है गन्ना, गन्ना खा खा के इस आदमी ने इतना गंदगी मचाई है इधर, और कह रहा मेरा काम दिखा। इतनी गंदगी मचाई है गन्ना खा खा के, अच्छे से लगा अच्छे से, अब आके जरा सा हाथ ऐसे लगा रहा है तो कह रहा मेरा ब्लॉग बना, कितना शाना है यार ये। चॉकलेट दे के आप बच्चों से कुछ भी करवा सकते हो। बैठे बैठे मेरा काम हो गया, अब मैं कल साड़ी पहनूंगी। हेलो मिस्टर पीयूष, ये घुसते ही वीडियो लेना चालू? यस, व्लॉगिंग चालू है। ओहो, वापस से वापस लाइव। तुम काले हो क्या, आए हो गोरे हो क्या, आए हो समझ में क्यों नहीं आ रहे? मैं काला हो चुका हूँ, काला तो मैं बचपन से ही था। हाय हाय, बाल कहाँ गए? अरे वो दादी ऑफ हो गई थी ना, इसके लिए टकला हो गया था। चलो थोड़े तो आ गए। तो यहाँ पीयूष जन्म को बता रहा है उसको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए आगे पढ़ाई में सब्जेक्ट। हेलो, ये बनने वाला है? हाय, मैं तो शबीर आ गया, क्या लेके आया? इसमें बूंदी के लड्डू और बूंदी के लड्डू कौन खाता है? बूंदी के लड्डू ये खाता है, मोतीचूर खाता है, मोतीचूर। मोतीचूर, अरे मैं सब खाता हूँ, मीठे में कोई पक्षपात नहीं। वेरी गुड, पहले मंदिर में चढ़ेगा, फिर उधर मंदिर में रख दो। सर अभी सर लग वहाँ सर लेक्चर दे रहे हैं तुम्हारे घर पे, प्राइवेट क्लासेस होने फ्रिज में वो हो जाएगा। मैं पता नहीं यार, बताएंगे रेट वो अभी नहीं लेंगे ना, अभी तो काउंसलिंग कर रहे हैं, फिर लेंगे। भाभी को बोल दो 2000 रुपए लेंगे वो सब बताने के बाद। लग गया तेरे को रोजा, आज लग रहा है तुम बहुत पतला हो गया आज। हाँ। लग रहा है आज, मुझे भी लग रहा है ये पतला, आज पता नहीं कैसे लग रहा है बट आज लग रहा है। तो गाइस इधर बन रहा है हलवा, इधर यमी बना रहा है अपना, क्या बना रहा है तू? फालूदा। ये फालूदा बना रहा है, मैं हलवा बना रही हूँ, ठीक है? केसर फालूदा। तुमने कहाँ लाया उसके लिए आइटम? ये हमें कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको दूध में डाल तो बन जाए। सब है, सब है इसमें, सब है इसमें। एक वो 15 रुपए का पैकेट आता है, वो तो परसों खाए थे, वो परसों खाए थे, ये लेके आए। तो इनकी तो इफ्तारी का टाइम हो गया है, मेरी पूजा करने में अभी और 1 घंटा बाकी है, तो बस ये लोग तब तक इफ्तारी करते हैं, मैं पूजा की। कितना पानी पिएगा? पानी पी पी के पेट भर लेगा। तो पापा इधर हो गई मेरी पूजा की तैयारी, शाम की पूजा तो फटाफट कर लेते हैं।
बाय बाय के साथ एक फ्री है अगर लेना है। वाह एक तुम ले लेना एक मैं भी ले लूंगा। हाँ एक तुम ले लेना एक मैं ले लेता हूँ। हाँ एक मैं ले लूंगा एक मैं ले लिख दो ना कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लिख रहे हो एक एक मिनट के लिख के दे। क्या खा रही है संजय दत्त की तरह बाल लेके होंगे। मैं वही बोला भाभी घर का है मुझे ऐसा लगा साक्षात माता रानी उधर से चंडी का रूप धारण करके आ रही है। क्या खा रहा है मिठू मिठू बेबी को चॉकलेट मिल गया बेबी खाएगी बेबी। रात्रि का पहला दिन है ठीक है तो मेरे लिए गिफ्ट लाई है भाभी। क्या लाई है पहले बताओ। मैंने खुद नहीं देखा अभी भाभी ने बोला गिफ्ट ये मैं पसंद करके आई थी भैया के पास उस दिन। क्या ही क्या ही नजर बट्टू। अच्छा हाथ में भाभी पैर में पहन सकते ना हाथ में अच्छा नजर बट्टू ये मतलब ये गूंज का गिफ्ट है अभी मेरा और फयाज का बाद में आएगा। क्यों तुम बारात में आया भाभी ये देखो। थैंक यू भाभी दिखा दिखा इधर से भी दिखा। थैंक यू भाभी थैंक यू भैया बहुत प्यारा अच्छा लग रहा है लग रहा है। उस दिन पसंद करके आई थी भैया क्या। अच्छा मैंने भी एक अंगूठी पसंद की थी भैया के वहाँ। भैया को पसंद करो लेके जा देख लो भैया ये क्या कह रही है भैया को लेके जाओ। भैया जाएंगे नहीं ना पता है इसलिए। भाई मैं आ गई रानू के पास वेट नापने क्योंकि आज पहला नवरात्र है और 9 दिन मैंने नमक नहीं खाना है तो मैं बस देखना चाहती हूँ कि मेरा कितना कम होगा इन 9 दिनों में। तो मैं वेट नापने अभी आई हूँ और उसके बाद फिर 9 दिन बाद नापेंगे। और देखो मेरा गिफ्ट देखा मेरा गिफ्ट नहीं, ये मैं पसंद किया था बहुत पहले भैया के पास तो भैया ने ये गिफ्ट किया तो पहली नवरात्रि पे भैया ने मुझे गिफ्ट किया देखो उतना ही है 48.6 ठीक है ना 48.6 ना भाई बढ़ना है तो अभी बढ़ जा 48.6 ठीक है तो अभी देखते हैं 9 दिन बाद कितना कम होता है। शबीर कैसा बना है मस्त है। तो आज था मेरे सामने वाले घर में रतन का बर्थडे तो हम आ गए रतन का केक कट करवाने के लिए। खा तो नहीं सकती हूँ बट हाँ कट तो करवा सकती हूँ। इतने मीडिया वाले बुलाए रतन हाँ पीपल दे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू जा दे हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइज यार बर्थडे वर्थडे मना लिया है कूलर लगा लिया मैंने यहाँ पे क्योंकि गर्मी हो रही है पंखा ऊपर का चलाया नहीं फैन ऑफ है इधर माता रानी है इधर मैंने कूलर लगाया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो बस मैं चली सोने मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक ले देखते रहिए गुंज व्लॉग्स देखना ना भूले गुंज पे। थैंक यू सो मच।